ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। मकार, पोकेबाज, राज, तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुम बेगुनाह हो। राज, राज, ए नौटंकी, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। बोल, बोल क्या खून तूने किया? बोल! ए, बात क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। देख तरह, मैं जानता हूँ तू जानता है सच्चाई क्या है। अब मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ। बोल। बोल! राज, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। झूठ! यारा लाया, यारा कॉल मैनेज मारना। नहीं। और मैं एक मुस्लिम को निर्दोष साबित कर रहा हूँ। पहली बार जिंदगी में एक झूठा केस लड़ रहा हूँ मैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तूने सोच समझ कर पूरे होशोहवास में खून किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। झूठे हो, कातिल हो, गुनहगार हो तुम। चुप। अब क्या चाहिए तुझे तरंग? जब देखो बच्चों की तरह रोता हुआ चला आता है मेरे पास, कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं तेरी? कौन है बेतू? कौन है तू? तरंग का वकील है ना तू? बहुत चिल्लाता है उस पर, डराता है उसे। आज के बाद उसे डराया या धमकाया तो चीर के रख दूंगा। सॉरी। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप कौन है। ओह सॉरी, रंजीत, तरंग का दोस्त। मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता वो। मतलब मिस्टर मेहता का खून तरंग ने नहीं किया? तरंग तरंग वो जो ठीक ठीक से बात नहीं कर सकता वो खून करेगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, तो ये खून तुमने किया है? ओह माय गॉड। लेकिन क्यों? कुत्ती है, कुत्ती है साली दुनिया, गरीबों और मासूमों को कुचलती है। मैं बेखुदी, मेरा नाम है दीवानगी।
दीवानगी। सिस्टर, आप पार्टी में बोर होती हैं, फिर भी अपने बेटे के साथ आती हैं और लड़कियों को घूरती रहती है, क्यों? इसलिए कि कहीं मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह कुंवारा न रह जाए। मतलब पार्टी में आने से शादी हो जाती है? हम तो बरसों से पार्टी में आते हैं। Hey Raj, Hi. Glad you could make it. नमस्ते आंटी, नमस्ते। आइए आइए, come on, why don't we go in? हमें लग रहा था कि आप आएंगे ही नहीं। कम से कम आंटी जी जरा संभल कर। Excuse me, मेहता साहब, इनसे मिलिए। ये है मिसेस गोयल, नमस्ते। और ये इनके बेटे मिस्टर राज गोयल। Hi. He's probably the youngest, but definitely the most famous lawyer of our country, हाँ? बड़ी खुशी हुई कि आप हमारी पार्टी में आए। आपका नाम तो बहुत सुना था। आज विक्रांत भाई साहब की वजह से आपसे मुलाकात भी होगी। वैसे इनकी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। मैं देखना चाहता था उस इंसान को जो आज तक कोई केस हारा ही। वैसे सुना है जिसकी जेब में आपका विजिटिंग कार्ड हो बिना झिझक फोन तक कर सकते। उमर है मेहता साहब, अफवाह है। गलती से ऐसा कुछ कर मत दीजिएगा वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। Excuse me sir. Yeah, very nice. One more. Come on darling, come on. Hello, भाभी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह हेलो। हेलो, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी मेरा नाम याना है। याना, अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। वैसे तुम आई एम सॉरी आंटी, आप मुझे कुछ कह रही थी? कुछ नहीं। फ्रेंड, दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। आज हमारा सातवां म्यूजिक एल्बम भी प्लैटिनम जुबली मना रहा है। थैंक यू वेरी मच। और ये सब मेरे भाई अभिजीत के संगीत की वजह से हुआ है। स्काई ऑडियो कंपनी को आसमान की इस बुलंदी पर पहुंचाने में दो और लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। एक है मशहूर म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर मिस्टर विक्रांत कपूर। अभिजीत मेहता साहब, थैंक यू। और दूसरी वो है जिनकी सुरीली आवाज और दिलकश रूप का जादू हम सबके दिलों पर छाया हुआ है, संगीत की दुनिया का सबसे रोशन सितारा सरगम। इश्क है वादा, इश्क इरादा।
पे किसका आ रहा है काबू, ये इश्क जुनून की हद तक हो ना इसकी कोई भी सरहद हो, ना इसकी कोई भी सरहद हो। You are a very famous lawyer. Yes, yes, I am. Excuse me, sir. One photo. Man, थोड़ा नज़दीक ले लीजिए. Sure. That's nice. आप तो कम से कम लोगों को अपने शो पर बुला सकती हैं. हमारे पेश में तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कोर्ट में जरूर आइएगा. खून का एक बहुत अच्छा मुकदमा चला. That's right. अरे माँ, ये सरगम है, ये मेरी माँ है और मेरे अंकल. नमस्ते. मैं तो इनकी फैन हूँ. मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ आपका. आप अकेली आई हैं? मेरा मतलब है आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं आए? जी, दरअसल मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है. कुछ बरस पहले एक कार एक्सीडेंट में मम्मी पापा दोनों ही. आई एम सो सॉरी बेटी, लेकिन आज के बाद अपने आप को अकेली कभी मत समझना. जब भी जी चाहे इस माँ से मिलने चली आना, मुझे भी बेटी की कमी महसूस नहीं होगी. थैंक यू सो मच. चलिए वरना देर हो जाएगी. कम. ओके, एक्सक्यूज मी. ओके. अच्छा माँ, एक्सक्यूज मी. Ah!
फोन करा रहे। आइए सर, सर इस तरफ। सर पूरे घर को सील कर दिया गया है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आ चुके हैं। कल कुछ आधे पौने घंटे पहले हुआ होगा सर। यादव यहाँ का एरिया सारा कवर कर लिया? जी सर। उस तरफ का? जी पूरा चेक कर लिया सर। बात हो चुकी है, देखो यहाँ सावंत एक फोटो इधर लो। ये एक इधर भी स्टार्ट किया है, एक यहाँ पर भी स्टार्ट किया है। मैंने अपने पूरे करियर में इतनी बेरहमी से किया हुआ कत्ल कभी नहीं देखा। ये नफरत की इंतहा है या ये कातिल पागल है? हेलो, की लाश पाई गई। My God। सारी म्यूजिक इंडस्ट्री उनकी हत्या का शोक मना रही है। पुलिस ने उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिस्टर मेहता के कत्ल के जुर्म में पुलिस ने तरंग नाम के एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अश्विन मेहता के कितने अच्छे आदमी थे, फांसी पर लटका देना चाहिए इसको। राज, अरे सरगम, हेलो, आई एम सो सॉरी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो दरअसल इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करने आए। जी बिल्कुल आइए, प्लीज बैठिए। गुड मॉर्निंग। वो सॉरी मैं इस तरह फोन नहीं, प्लीज तकलीफ मत कीजिए। दरअसल राज, मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेहता साहब के कातिल को मैं अदालत में सख्त से सख्त सजा दिलवाऊं। मैं चाहती हूँ आप उसे बचाएं। तरंग किसी का खून नहीं कर सकता राज, कभी नहीं। आप इस तरंग को कैसी जानती हैं? गुरु हैं वो मेरे, आज मैं जो कुछ भी हो उन्हीं के बदौलत हूँ। मुझे संगीत सिखाया है उन्होंने। लेकिन सरगम, वो तो रंगे हाथों पकड़ा गया। तरंग बेगुनाह है, ये मेरा यकीन है राज। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा सच का ही साथ देते हैं, झूठ और झूठ बोलने वालों को देखते ही पहचान लेते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज मेरी खातिर आप एक बार उसे मिल लीजिए और ये फैसला खुद कर लीजिए कि वो बेकसूर है या गुनहगार। Thank you.
मेरा नाम राज है, राज गोयल, वकील हूं मैं। मेरे पास आपकी फीस देने के लिए मैं सरगम के कहने पर यहां आया हूं। मुझे पता था कि सरगम मेरा साथ जरूर देगी। अच्छा ये बताओ तरंग, ये खून तुमने क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया सर। इससे पहले कभी किसी जुर्म में गिरफ्तार हुए हो तुम? नहीं सर। राज, सब लोग मुझे राज कहते हैं। राज, तुम ठीक से बोल नहीं पाते। नहीं तो क्यों ऐसा लगा आपको सर? जस्ट कॉल मी राज, आई डोंट लाइक फॉर्मेलिटीज। इसका मतलब ये खून तुमने नहीं किया। सेठ जी तो बहुत अच्छे आदमी थे, इस शहर में जो मेरे सर पर छत है वो उन्हीं की मेहरबानी थी। 50,000 रुपए दिए थे उन्होंने मुझे, मुझे चांस भी देने वाले थे। मेरी धुने, मेरे गाने उन्हें बहुत पसंद थे। उनकी मौत से सब बड़ा नुकसान तो मेरा ही हुआ है ना। तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास उन्हें कत्ल करने की कोई जायज वजह नहीं थी? कत्ल करने के लिए कोई भी वजह जायज हो सकती है क्या राज? उस दिन तो मेहता साहब के यहाँ क्या करने गए थे? म्यूजिक सिटिंग थी हमारी, मैं बाहर हॉल में बैठा हुआ था कि अचानक एक चीख, मैं भागकर अंदर गया तो देखा कि खून में लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे और पीछे की तरफ से कोई भाग रहा था। यू मीन कमरे में कोई और भी था? जी। कौन? शक्ल नहीं देख पाया। फिर क्या हुआ? कुछ याद नहीं। याद नहीं? What do you mean by याद नहीं? मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है, बीमारी समझ लीजिए, अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कुछ देर के लिए बिल्कुल होश नहीं रहता मुझे। कुछ याद नहीं रहता तुम्हें? लेकिन जब तुमने कुछ किया नहीं था तो तुम वहां से भागे क्यों? जब मुझे होश आया तो कपड़ों पर खून के धब्बे, बाहर नौकर चिल्ला रहे थे कि कत्ल अंदर ही है। फिर कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। पुलिस का सारा सुना दिया। अच्छी है ये, भूलने की बीमारी अच्छी है। ऐसा होता है मामा जी। देखिए मैं चाय में शक्कर डालना भूल गया। अरे वो खून करके भूल गया। राज आई एम शॉक्ड, तुम्हें कोई कैसे, आई मीन आई थिंक वो आदमी बहुत स्मार्ट है। अगर वो इतना होशियार है तो इतनी घटिया कहानी क्यों सुना रहा है जिस पर किसी को यकीन ना है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसकी आंखें पढ़ी हैं, उनमें वो खौफ ही नहीं जो एक मुजरिम की आंखों में होता है। सोनिया तुम किसी साइकाइट्रिस्ट को जानती हो? उस हादसे के वक्त वो लड़का शायद फ्यूज स्टेट में चला गया होगा। फ्यूज स्टेट? किसी भी दिमागी बीमारी के कारण जब इंसान अपनी याददाश्त कुछ देर के लिए खो बैठता है उसे फ्यूज स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, उन्हें याद ही नहीं रहता है कि वो एक जगह से चलकर दूसरी जगह कैसे पहुंच गए। जैसे मिर्गी की बीमारी, उसमें भी आदमी को जब दौरा पड़ता है तो वो फ्यूज स्टेट में पहुंच जाता है, उसे कुछ याद ही नहीं रहता। डॉक्टर साहब मुझे इस केस में आपकी मदद की जरूरत है। Would you be interested? रिलैक्स तरंग, ये कैमरा मैं अपने लिए लगा रही हूँ ताकि ये कैसेट में बार बार देख कर स्टडी कर सकूँ। ओके? काफी गर्मी है ना यहाँ। कुछ बात करो अपने बारे में, गांव के बारे में, अपने माता पिता के बारे में।
बाबूजी शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े गायक थे, उनकी आवाज में जादू था। मैं घंटों उनका संगीत सुना करता था। 7-8 साल का था मैं जब वो इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत का ऐसा सदमा लगा मेरी माँ को कि वो पूरा पूरा दिन गांव में उन्हें ढूंढती रहती। फिर लाइब्रेरी में झाड़ू पोता लगाने की नौकरी मिल गई। पढ़ने का शौक था, सारी किताबें पढ़ डाली, लाइब्रेरियन बन गया। बस एक माँ की चिंता लगी रहती थी कि खाना खाया होगा कि नहीं उसने। लेकिन एक दिन सारी चिंताएं खत्म हो गई, कुएं में से लाश मिली उसकी। I'm sorry. अच्छा तरंग ये बताओ, तुम्हें कब रियलाइज हुआ कि तुम्हें ये भूलने की बीमारी है? जब मां का देहांत हुआ, मैं बैठा रो रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने अर्थी को कांदा देने के लिए लोगों से कहा तो वो हैरान हो गए, बोले पागल हो क्या, अभी अभी तो तुम अपनी मां की चिता को आग देकर आ रहे हो। मैडम मुझे आज तक याद नहीं मैंने अपनी मां की चिता को आग कब दी। मेरे ख्याल से दिस इज एन ओपन एंड शट केस। राज गोयल ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है ये केस लेकर। मिस्टर राज क्या आपको लगता है तरंग निर्दोष? सच्चाई बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगी और मेरा मानना है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अरे हटिए आप लोग, चलिए चलिए उधर, चलिए चलिए हटिए, जाने दीजिए, चलिए चलिए हटिए। राइट मिस्टर भूलर, यू कैन पुट अप योर केस। योर ऑनर, कुछ भी कहने से पहले मैं ऑनरेबल कोर्ट को चंद तस्वीरें दिखाने की इजाजत चाहता हूं। यस। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये तस्वीरें कहां साबित करती है कि मेरे क्लाइंट ने यह कत्ल किया है? योर ऑनर, ये तस्वीरें मैं अदालत को इसीलिए दिखा रहा था ताकि केस शुरू होने से पहले मेरे क्लाइंट के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए, और इंसाफ करते वक्त कानून इस नफरत को पहले देखे और सच्चाई को बाद में। मिस्टर भूलर, आप कोई और सबूत या गवाह पेश करना चाहते हैं? हाँ तो डॉक्टर दीवान, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कातिल राइट हैंडेड था या लेफ्ट हैंडेड? गले के अंदरूनी घाव सजेस्ट करते हैं कि ये घाव किसी लेफ्ट हैंडेड आदमी ने किए हैं। तो आपके मुताबिक मुलजिम? जी हाँ वकील साहब, मुलजिम भी लेफ्ट हैंडेड है। डॉक्टर साहब, कोई राइट हैंड इस्तेमाल करने वाला आदमी अगर जानबूझकर अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करे तो क्या घाव उसी तरह बनेंगे जैसे अश्विन जी के बॉडी पर थे? जी हाँ। मतलब आप ये विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि कत्ल लेफ्ट हैंडेड वाले ने किया है? नहीं, विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। आपने जब मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसने आपसे कहा कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है, तो फिर आपने उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं किया? हा? जब मैंने मुलजिम को गिरफ्तार किया उसके दोनों हाथ खून से रंगे थे। इंस्पेक्टर साहब, जिस छुरे से कत्ल किया गया उस पर मुलजिम की उंगलियों के निशान मिले? हो सकता है मुलजिम ने उंगलियों के निशान मिटा दिए हों। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो अपने निशान मिटाए, उसके बाद अपने हाथ मिस्टर मेहता के खून में डुबोए और फिर उसके बाद वहां से भागे ताकि जब आप उसे गिरफ्तार करें तो वो रंगे हाथों पकड़ा जाए? अच्छा जाने दीजिए। ये बताइए इंस्पेक्टर साहब,
कत्ल के वक्त उस कमरे में कोई और भी मौजूद था? मेरा मतलब मेरे क्लाइंट के अलावा कोई दूसरा आदमी? इसका कोई सबूत तो नहीं मिला। तो क्या इसका कोई सबूत मिला कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं था? जी नहीं। वजह, कारण, योर ऑनर मोटिव, मकसद। हर काम, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, मकसद होता है। आप यहां इसलिए मौजूद है ताकि इंसाफ हो सके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब यहां इसलिए आए ताकि मुलजिम को फांसी पर चढ़ा सके। काम है इनका। मैं एक मासूम और निर्दोष जिंदगी बचाना चाहता हूं। ये लोग, ये सारे लोग ये जानने आए कि आखिर सच्चाई क्या है। यहां आए हर इंसान के पास अपना एक मकसद है। मगर कितनी अजीब बात है योर ऑनर कि इतने भयानक और ब्रूटल कत्ल के पीछे कोई वजह, कोई कारण नहीं है। ना ही FIR में कुछ दर्ज है, ना ही पुलिस की फाइल में कुछ लिखा है। क्यों योर ऑनर, क्यों? The court is adjourned till the 13th of this month. Thank you, Sargam. तरुण, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कैसे? तरुण, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे मिलने आया करूं कि जेल में। अभी चलिए। हाँ चलिए। चलो। जिंदगी में पहली बार मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आई है। अब उससे भी इजहार न कर पाया तो कभी नहीं होगी इसकी शादी। पर दीदी, आजकल सरगम और वो काफी मिलने जुलने लगे हैं, काफी अच्छी दोस्ती हो गई है दोनों के बीच। हाँ, लेकिन जब देखो दोनों सिर्फ केस के बारे में ही तो बातें करते रहते हैं ना। हाँ वो तो है, लेकिन उनकी दोस्ती को प्यार में बदलने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रतन, तुम जल्दी से जाकर सरगम की कुछ तस्वीरें और पोस्टर खरीद कर ले आओ। मैं सरगम को फोन करती हूँ। लेकिन दीदी, सरगम को सरगम के ही पोस्टर्स दिखाकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने सोचा है तो जरूर बहुत कुछ कर सकते हैं। न जाने कहां कहां से जमा करके तुम्हारी सारी तस्वीरें अपने कमरे में सजा दी। देखो राज ने, और नहीं तो क्या मैंने। और तस्वीरें क्या, यहाँ देखो सब तुम्हारे कैसेट्स, ये सारी सीडीज भी तुम्हारी। मेरा बेटा तो बड़ा फैन हो गया भाई तुम्हारा। पता है, मुझे तो लगता था राज बड़े सीरियस किस्म के इंसान हैं, और म्यूजिक से तो उनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो सिर्फ कानून की किताबें पढ़ा करता था, अब तुम्हारे गाने सुनते रहता है। और तुम्हारे गाने है ना, उसे मुझबानी याद है, वर्ड टू वर्ड याद है। really? हाँ। अरे मामा जी, सरगम आई है? नहीं तो। तो बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो किसकी है? ऊपर है। हाय सरगम। हाय राज, आओ बेटा आओ। अरे क्या सोच क्या रहा है? आजा आजा। कैसी हो माँ? क्या है ये सब चक्कर? चाय चाय चाहिए ना, मैं अभी लाती हूँ, बस अभी। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। छुपा रुस्तम? Of course, कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि आपको मेरे गाने इतने पसंद हैं? अच्छा ये बताइए, मेरे सारे गानों में से आपका फेवरेट कौन सा है? वही जो सबसे बड़ा हिट गाना है ना। कौन सा? अरे वही वो जिसमें प्यार और इश्क वाली बात है ना। हाँ। That one. Oh, वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। गा के सुनाइए ना। मैं? Yeah, क्यों? Please? मैं थोड़ी गा सकता हूँ सर का। Please, 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 please. अरे नहीं, मुझे गाना नहीं आता। बनिए मत, मुझे मम्मी ने सब कुछ बता दिया है कि आप बहुत ही अच्छा और सुर में गाते हैं। प्लीज। अच्छा, माँ ने ये भी बता दिया? Of course. दरवाजे से खुला था। या ना, हाँ ना बेटी, या ना। हाय आंटी, सरगम कहाँ है? वो चली गई। दीदी चली गई।
चली गई लेकिन उसकी कार तो बाहर है। अब बताओ कार तो बाहर ही होगी ना, वो राज के साथ चली गई बेटी। राज के साथ? कमाल है, उसने मुझे यहाँ पर बुलाया और अब घर पे बुलाया। घर पे बुलाया? हाँ, गाड़ी लेकर। गाड़ी लेकर? हाँ, फौरन अभी इसी वक्त गाड़ी लेकर। अमशो कोई जरूरी काम होगा? हाँ बहुत जरूरी काम है। ओके देखो अब तो तुम्हें जाना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो तुम आओगी ना, चाहे तुम्हें जितनी भी जल्दी हो मैं तुम्हें चाय पिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी। ओके थैंक यू, बाय। दीदी यहाँ पे क्या किया? सरगम ऊपर है और कार भिजवा दी। अगर ये उसकी कार नहीं ले जाएगी तो राज उसे घर छोड़ने कैसे जाएगा? क्या बात है दीदी, क्या? आजा आजा। अगर राज नहीं गया तो? हे वो देखो वहाँ पर मेला लगा हुआ है। पता है राज, बचपन में ना मुझे मेले में जाना बहुत पसंद था। अच्छा? In fact, I was crazy about it. और मन तो आज भी करता है जब भी मेला देखती हूँ कि बस चली जाऊँ, अगर क्या करूँ। पता है राज, तरंग के बाबूजी थे ना, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। गांव में जब भी कभी मेला लगता वो मुझे अपने साथ जरूर ले जाते। ये मेले में क्यों ले आया तुम? जो दिल में हो कभी कभी कर लेना। नहीं राज, बहुत भीड़ लग जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा भारत। अरे सरगम दिखते है तेरे को? वैसी लगती है, सरगम नहीं है। उत्तम, बहुत अच्छा समय है प्रेम के लिए। आपके जीवन में प्यार आने ही वाला है, शायद वो आपके आसपास ही हो। पहचानिए और जिंदगी के इस खूबसूरत एहसास को महसूस कीजिए। धन्यवाद। तरंग कुछ सरगम के बारे में बताओ। सरगम? हाँ वो बता रही थी कि तुम दोनों बचपन के साथी हो, साथ साथ खेले कूदे पले बढ़े, यहाँ तक कि संगीत का पहला सुर भी साथ ही सीखा। हाँ मैडम, मैं बांसुरी बजाता था और वो नाचती थी। पास बेटा, खूब जोड़ी है दोनों की। भाई बद्री, मन्ने तो ये लागे है कि थारी छोरी और मारा छोरा दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। भाई मारो तो काम आसान हो गयो, अब ब्याह के लिए छोरा ढूंढन की जरूरत कोनी। क्यों तरंग, बनेगा मेरा जमाई? करेगा मेरी सरगम से ब्याह? अरे बोलना क्या पूछ रहे चाचा। फिर अलग होना पड़ा हम दोनों को। शहर में उसके पिताजी की नौकरी लग गई थी। ओह, तब तो तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। फिर क्या किया तुमने? अरे छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे बेटा। यो के कह रहे हो? ये कह रहे हैं कि ये चली गई तो फिर ब्याह किसके साथ करेगा? अरे थारा ब्याह सरगम के साथ ही होवेगा, पहले बड़ा तो हो जा। अरे जा भाई, चल चल यार, तेरी गाड़ी निकल गई तो घणो चक्कर पड़ जावेगो। मैं पहुंच के चिट्ठी लिखूंगा। हाँ हाँ पहुंच के राजी खुशी की खबर दे दिए। अरे रोवा के है बावड़ा? रोवे नहीं तो के करे, एक सरगमी तो दोस्त थी मारे छोरा की। अरे बेटा, जद पुराने दोस्त बिछड़े हैं तभी नए बने हैं। फिर मेरा कोई नया दोस्त बना ही नहीं,
बस चिट्ठियों में बातें होती रही, धीरे धीरे वो भी बंद हो गई। शहर छोड़ के कहीं और चले गए थे वो लोग। फिर सरगम से दोबारा मुलाकात कैसे हुई? सिंगर बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी सरगम, मैगजीन में उसका छोटा सा इंटरव्यू छपा था, उसे अपना गांव याद था, बस उसके गांव का साथी पहुंच गया उसके शहर। तरन, oh my god, I can't believe this, याना, याना, ये तरन है मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरे बचपन का साथी। फिर दिन के चारों पहर हम साथ रहने लगे, बातें खत्म नहीं होती थी उसकी, कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। एक दिन कहने लगी, तुम्हारी आवाज सुनती हूँ तो खो सी जाती हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे तो गाना बिल्कुल आता ही नहीं। तरंग, तरंग मुझे भी गाना सिखा दो ना प्लीज। सुरों का सबको पता है आठवां सुर है तू, सात सुरों का सबको पता है आठवां सुर है तू, सात रंगों की सबको खबर है आठवां रंग है तू, हो आठवां रंग है तू, हो सात सुरों का सबको पता है आठवां सुर है तू, आठवां सुर गमनी धा 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 धनी रे मागा आ आ सानी सा नी धनी धा धा गरे सा गा, सुर और ताल में डूब जा साथी जब तेरा दिल घबराए, सुर और ताल में डूब जा साथी जब तेरा दिल घबराए, गीतों की तू ज्योत जला जब चांद नजर ना आए, एक चंदा का सबको पता है दूसरा चांद है तू, सात रंगों की सबको खबर है आठवां रंग है तू, हो आठवां रंग है तू, हाहाहा
दूसरों का सबको पता है आठवां सुर है तू। आठवां सुर है तू, आठवां सुर है तू। सरगम ने बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ये गाना भी तुमने ही लिखा? जी। सरगम के लिए? उसे बहुत चाहते हो ना? आपको क्या लगता है? वजह, मकसद, कारण, मोटिव, चार बार यंग जीनियस लॉयर ने ये पॉइंट उठाया और चारों बार कोर्ट एडजर्न हो गई। आज मैं वजह बताऊंगा। ये डायरी आपकी है? मैंने पूछा ये डायरी आपकी है? जी। गुड। म्यूजिकल नोट्स, संगीत की भाषा। संगीत आपका है? मैं पूछ रहा हूं, संगीत आपका है? जी। और ये जो गाने हैं ये आपने लिखे? इन सीडीज में जो गाने हैं वही गाने उस डायरी में भी लिखे हैं ना? लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर का नाम अभिजीत मेहता। आपका नाम क्यों नहीं है? जवाब दीजिए, आपका नाम क्यों नहीं है? काम आपका, नाम किसी और का, क्या बात है ये? है? मैं बताता हूं योर ऑनर, दरअसल पिछले 2 सालों से संगीत की दुनिया में धूम मचाने वाले अभिजीत के गाने अभिजीत के नहीं बल्कि तरंग भरद्वाज के हैं योर ऑनर, तरंग भरद्वाज के हैं। सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए तरंग ने अपना सारा संगीत पेश दिया। अश्विन मेहता की स्काई ऑडियो कंपनी आसमान की बुलंदी पर पहुंच गई। एक फ्लॉप म्यूजिक डायरेक्टर का घर अवार्ड से भर गया, लेकिन बेचारा तरंग वहीं का वहीं रह गई योर ऑनर। बस यहीं से शुरू हुई जलन एक कलाकार के मन में। वो झगड़ा करने पहुंच गया, इल्जाम लगाने लगा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ चंद गाने बेचे थे लेकिन तुम लोगों ने मेरे सारे के सारे गाने चोरी कर लिए। गुस्से के मारे पागल हो उठा तरंग। अब उसे रुपए नहीं, नाम चाहिए था, नाम। कहने लगा, एक दिन तुम खुद अपने मुंह से कहोगे ये सारा संगीत मेरा है। देखिए आज हम खुद कह रहे हैं ये सारा संगीत तरंग का है। अभिजीत मेहता ने अपने भाई के कातिल को सजा दिलवाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उसने अपना करियर, अपना नाम, अपनी शौहरत, सब कुछ अपने हाथों से मिट्टी में मिला दिया सिर्फ इंसाफ के लिए योर ऑनर, सिर्फ इंसाफ के लिए। जिंदगी प्यारी नहीं है? फांसी के फंदे पर लटकना चाहते हो तुम? सारे गवाह, सारे सबूत तुम्हें मुजरिम साबित कर रहे हैं। हर कोई समस्या की और क्रूर मार रहा। सिर्फ एक मैं हूं जिसे तुम पर विश्वास है और तुमने मुझसे यह बात छुपाई कि वह सारा संगीत तुम्हारा था। Why the hell did you tell me? उन्होंने मुझसे वादा लिया था, बदनामी होती उनकी। अगर आप पूछते तो आपसे झूठ थोड़ी बोलता। इस केस में सिर्फ एक कमी थी, मोटिव। और ये लोग इसे मोटिव बता रहे हैं, तुम्हारे कत्ल करने का मकसद। संगीत की दुनिया में चोरियां तो होती रहती है, कभी रीमेक्स के नाम पर तो कभी इंस्पिरेशन के नाम पर। लेकिन इसके लिए कोई खून कर देता है क्या? मैं मानता हूं मैं वहां गया था, लेकिन झगड़ा करने नहीं, ये जानने कि अगर सेठ जी इतने अच्छे आदमी हैं, तो उन्होंने मेरे साथ धोखा क्यों किया? मैं बहुत शर्मिंदा हूं तरंग, मुझसे बिना पूछे अभिजीत ने ये सब किया। अब क्या करूं? आखिर छोटा भाई है मेरा और उसके भी करियर का सवाल है। मगर सेठ जी, मैं वादा करता हूं तरंग,
अगला एल्बम मैं तुम्हारे साथ रिकॉर्ड करूंगा, तुम्हारे नाम के साथ। दैट्स अ प्रॉमिस। ये लो टिकट, अपने लिए घर का इंतजाम कर लेना। मैंने सोचा कि एक बार यहां रहने का ठिकाना हो जाए तो संगीत तो मेरे खून में है। अगर बाबूजी का आशीर्वाद रहा और मां सरस्वती की दया तो और बना लू का गाने। मैं सच कह रहा हूं राज, मैंने खून नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच अगर कोई है तो वो मैं हूं। मुझसे इस तरह बातें छुपाते रहोगे तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी और मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए, समझ रहे हो ना? राज, मुझे फांसी तो नहीं होगी ना? तुम्हारी मैं हूं ना? हम लोग ये केस जीत तो जाएंगे ना राज? हारना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता सरगम, क्योंकि अब सवाल सिर्फ मेरी इज्जत का नहीं, तरंग की जिंदगी का है। मैं अपनी जान लगा दूंगा पर उसे इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई राज कि तुम जैसे अच्छे इंसान से मेरी दोस्ती हुई। आज तरंग का दुख मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूं और तुमने तो उसके लिए अपनी फीस तक नहीं ली। फीस तो मैंने तुम्हारे लिए नहीं ली सरगम। मेरे लिए? हाँ, तुमसे दोस्ती जो होगी और एक दोस्त होने के नाते मेरी एक परेशानी में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। परेशानी? और तुम्हें? दरअसल ये जो प्यार इश्क होता है ना, उसे आज तक बहुत बेकार की चीज समझता था, लेकिन किसी से मिलने के बाद पहली बार मैंने जाना कि दुनिया में अगर सबसे प्यारी कोई चीज है तो वो है प्यार। प्यार के बिना ये सब नाम, शौहरत, दौलत, इज्जत सब बेकार है। तो इसमें परेशानी क्या है? उससे अभी तक इजहार नहीं किया है। तो कह क्यों नहीं रहते? इनकार से डर लगता है। लेकिन इजहार के बगैर पता कैसे चलेगा? अच्छा मान लो अगर मैंने उसे कह दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझसे प्यार करती है? नहीं, अगर वो शर्माती है तो मतलब हाँ, और अगर वो रूठ कर चली जाती है तो मतलब ना। कह दूं उसे? अच्छा हाय, मैं बोल रहा हूँ, कैसी हो? हेलो, सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है। हेलो, आई लव यू सरगम। प्यारे तुम हो सनम, जितना चाहूं तुमको उतना है कम।
प्यार से प्यार तुम हो सनम, जितना चाहूं तुमको उतना है कम। प्यार से प्यारे तुम हो सनम, जितना चाहूं तुमको उतना है कम। ओ आ से जो रिश्ता है वो रब से नहीं, कोई जोर न चल पाए जब सामने तू आए, कोई जोर न चल पाए जब सामने तू आए। मुझे होश नहीं कोई रहता है, ओ, मुझे होश नहीं कोई रहता है, मेरा हाल भी तेरे जैसा है। प्यार इस दिल में जगाया, मुझको मुझी से चुराया, जी उठे तुझ पे मर के हम। प्यार से प्यारे तुम हो सनम, जितना चाहो तुमको उतना है कम। ओ शक बिल्कुल सही निकला। मिसेज मेहता अपने पति के कत्ल के बारे में जरूर कुछ जानती हैं। हाँ राज, उसके और उसके देवर अभिजीत के बीच में जो बहस चल रही थी ना, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली। हमने रिकॉर्ड कर ली। I think अगर तुम उनसे जाके मिलो तो हमें जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात पता चल सकती है। बिल्कुल, वो ये नहीं चाहेगी कि जो बातें अकेले में की जा सकती है वो भरी अदालत में सबके सामने हो। उस कमीने तरंग को देखकर आखिर क्या हो जाता है आपको? क्यों नजर नहीं मिला पाती आप उससे? क्यों अदालत से उठकर चले गए आप? इसलिए अभिजीत के तुम्हारे भाई को उसने नहीं मारा, बल्कि उन्होंने जो किया था उसकी सजा दी है ऊपर वाले ने उन्हें। प्लीज भाभी, इस तरह की बातें आप फोन पे मत कीजिए। ऐसा क्या किया था आपके पति ने मिसेज मेहता जिसकी सजा उन्हें मिली? जरूर ऐसी कोई बात है जिसे बताना आपके लिए आसान नहीं। प्लीज रिश्तों के बंधनों से आजाद होकर सच का साथ दीजिए। आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके कत्ल के इल्जाम में जो आदमी फंसा है वो जिंदा है। प्लीज सच बताइए, बताइए सच क्या है? क्या बताऊं मैं आपको? जिस रोज आप हमारी पार्टी में पहली बार आए थे, उसी रात की बात है। आओ सरगम, आओ, लेट्स सेलिब्रेट आवर सक्सेस। आज तो तुम्हें हमारे हाथों एक जाम पीना ही पड़ेगा। इस मासूम मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। मैं आज के बाद आप लोगों के साथ काम नहीं करूंगी। Hey, सरगम, सरगम, come on. पी हमने है और बैग तुम रही हो। Look, honey, you got a face. तुम अश्विन साहब की खोज हो और आज तुम जहां भी हो इन्हीं की वजह से हो। यस सरगम, अगर इसके बदले में भाई साहब तुमसे थोड़ी सी दोस्ती करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या? हाँ हाँ अभिजीत,
भले ही आपको संगीत का सब ही ना आता हो, पर अपने भाई के लिए लड़कियों को कन्विंस करना जरूर आता है। वैसे आप संगीत छोड़ के अपने भाई के लिए यही काम क्यों नहीं करते? अभिजीत, इस साली को पहले दिन बिस्तर पर लिटा दिया होता तो आज इतनी जबान नहीं चलती कमजोर की। क्या समझते हो तुम? इस मुस्कराते चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छिपा है? अभी तूने देखा? अभी देखा? अभिजीत। अरे भाभी, तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? वो अभी तो नीचे गए हैं। वो नीचे? हाँ। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान कहाँ है, पार्टी हो रही, एंजॉय कर रहे हैं और क्या। एंजॉय योरसेल्फ। नीचे लेके जाना है। हटो यहाँ से, हटो अभिजीत। अरे सुनो प्लीज, भाभी भाभी बस। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके पति मेरी इज्जत कैसे होती है। तरंग की आंखों में बहुत दर्द था। उन खामोश आंखों को देखकर मैं जान गई थी कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और दूसरी ही तेरी तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सरगम से प्यार करती हो तुम? तरंग, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या हम इस बारे में बाद में बात कर? मेरा सवाल इतना मुश्किल तो नहीं है। क्या बात है? मेरे सर में दर्द है। अच्छा, अच्छा तो सिर्फ इतना बता दो कि क्या सरगम ने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है? बोलो। इसमें बोलने की क्या जरूरत है? प्यार जाहिर नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। ओहो, तो तुमने महसूस किया है कि वो तुमसे प्यार करती है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। पर क्यों? कहा ना, मेरे सर में दर्द है। सो तरंग साहब, और क्या क्या महसूस करते हो? चुप साली, बकवास करती हराम खोर, चीर के रख दूंगा। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। हेलो डॉक्टर। जिसका मुझे डर था वही हुआ। तरंग स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है। स्प्लिट पर्सनालिटी? हाँ, एक ही इंसान के बिल्कुल दो अलग रूप। तरंग ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत बेइज्जती सही है, लेकिन उसकी अच्छाई ने कभी उसे रिएक्ट नहीं करने दिया। गुस्से को अपने ही अंदर दबाए रखा, जिसकी वजह से उसके अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी ने जन्म ले लिया है। उसकी हल्की सी झलक मैंने अभी अभी देखी है, जो बहुत फिजिकल है, काफी वायलेंट है। इस हालत में
कब किसके साथ क्या सलूक करेगा उसे खुद नहीं पता। राज, राज सुनो, अंदर मत जाना। राज कार के पास। राज तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुम बेगुनाह हो। राज, राज ए नौटंकी, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। बोल बोल क्या खून तूने किया, बोल। ए बात क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। देख तरह मैं जानता हूं तू जानता है सच्चाई क्या है, अब मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं। बोल बोल। राज मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। झूठ, यार लाया, यार कॉल मैन इज मर्डर। नहीं, और मैं एक मुस्लिम को निर्दोष साबित कर रहा हूं, पहली बार जिंदगी में एक झूठा केस लड़ रहा हूं मैं। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तूने सोच समझकर पूरे होशोहवास में खून किया है। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। झूठे हो, कातिल हो, गुनहगार हो तुम। चुप। अब क्या चाहिए तुझे तरंग, जब देखो बच्चों की तरह रोता हुआ चला आता है मेरे पास, कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं तेरी? कौन है बे तू? कौन है तू? तरंग का वकील है ना तू? बहुत चिल्लाता है उस पर, डराता है उसे। के बाद उसे डराया या धमकाया तो चीर के रख दूंगा। सॉरी। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप कौन है। ओह सॉरी, रंजीत, तरंग का दोस्त। मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता वो। मतलब मिस्टर मेहता का खून तरंग ने नहीं किया? तरंग तरंग वो जो ठीक से बात नहीं कर सकता वो खून करेगा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा तो ये खून तुमने किया है? ओ माय गॉड। लेकिन क्यों? कुत्ती है, कुत्ती है साली दुनिया, गरीबों और मासूमों को कुचलती है। सारा संगीत चोरी कर लिया उस बेचारे का। एक दिन आया मेरे पास, मैंने बोला जा मार सालों को, बोला नहीं तो रो। फिर आया मेरे पास, रंजीत उन्होंने मेरी सरगम को बर्बाद कर दिया, इज्जत लूटने की कोशिश की। सरगम को अपनी बीवी मानता है वो, बचपन में घर वाले रिश्ता भी करना चाहते थे, क्या करता, बहुत रोया। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता, काट डाला साले को, चीर के रख दिया। 56 वार किए, 56 सलब, बहुत कमीना था, खून भी काला था उसका। राज क्या हुआ? तरंग बेकसूर है, वो बीमार है, उसका इलाज होना चाहिए, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। राज उसकी जगह कालकोठरी में नहीं है, वैसे भी बहुत बदनसीब है बेचारा, कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका, और सरगम भी कभी उसकी मोहब्बत को समझ नहीं सकी।
मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन सच तो यही है, तरंग के रंजीत बनने में कुछ हद तक उसकी खामोश मोहब्बत का भी हाथ है। तू आज भी मेरे पास है, तू ही मेरा एहसास है, तू आएगी विश्वास है, दिल आज ये परेशान है, बरसों की ये सादगी, ये आशिकी दीवानगी, पहले कभी देखी नहीं, देखा तुझे दिल ने कहा तू ही तो है, तू ही तो है मेरी जिंदगी, पर्सनैलिटी। भाई वाह डॉक्टर सेन, हम आपकी नॉलेज की कदर करते हैं, लेकिन आप यकीन से कैसे कह सकती हैं कि तरंग स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है? मैंने खुद तरंग को रंजीत बनते देखा है, आप भी देख सकते थे अगर वो वीडियो टेप अदालत में आपने पेश करने दिया होता। डॉक्टर सेन, बंद कमरे में कैमरा लगा के एक्टिंग तो हम भी कर सकते हैं, उसे छोड़िए, और किसी तरीके से साबित कर सकती हैं आप? आप सब जानते हैं समझते हैं फिर भी अनजान बन रहे हैं, सिर्फ केस जीतने के खातिर एक मासूम लड़की की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। 7 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया, माँ पागल हो गई। जरा सोची, इतनी छोटी उम्र में ऐसी माँ को संभालते संभालते इसका क्या हश हुआ होगा? तो आप ये कहना चाहती हैं कि पागल माँ के साथ रहते रहते तरंग पागल हो गया? देश भर में कितने पागल खाने हैं, और कई डॉक्टर सालों साल पागलों के बीच रहते हैं, वो तो पागल नहीं हुए, फिर तरंग इतना अनोखा पागल कैसे हो गया? हाँ, या तो फिर इसकी माँ बहुत बड़ी पागल होगी जो जाते जाते अपना स्पेशल पागलपन बेटे को दे गई। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे पागल को जन्म दिया जो कत्ल करके भूल जाता है। बस कीजिए, भगवान की तरंग बस राज, नहीं लड़ना मुझे ये केस, चढ़ जाने तो मुझे फांसी पर, क्या फायदा है ऐसे इंसाफ का जिसके लिए मेरी मरी हुई मां की बीमारी पर लोग इस तरह हंसे के। तो सिर्फ इतना बता दूं कि क्या सरगम ने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है? इसमें कहने की क्या बात है? प्यार जाहिर नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। तरंग साहब, और क्या क्या महसूस करते हो? चुप साली! बकवास करती है, चीर के रख दूंगा।
राज, तरंग को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें रंजीत को अदालत में लाना होगा। जिस रंजीत को हमने देखा है, अगर जज ने भी देख लिया तो यह साबित हो सकता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। मगर राज, हम कैसे रंजीत को? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने कुछ सोचा है। बस मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके लिए तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं राज। आई नो, थैंक यू। मिस सरगम, आपने अपने संगीत करियर की शुरुआत मिस्टर अश्विन मेहता की स्काई ऑडियो कंपनी से की, एम आई राइट? यस। जिस कंपनी ने आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, आपने अचानक उसी कंपनी से अपना रिश्ता क्यों तोड़ लिया? इस बात का इस केस से क्या ताल्लुक है योर ऑनर? ताल्लुक है योर ऑनर, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। ओके मिस्टर गोयल, कंटिन्यू बट गेट टू द पॉइंट क्विकली। थैंक यू ऑनर। हाँ तो मिस सरगम, आपने बताया नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों काम नहीं करना चाहती थी मिस्टर मेहता के साथ? वेल, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। नॉट कंफर्टेबल, व्हाई? क्या ये सच नहीं है मिस सरगम कि मिस्टर अश्विन मेहता के दो रूप थे? मेरा मतलब दुनिया के सामने कुछ और अपनी प्राइवेट लाइफ में कुछ और। कहिए मिस सरगम, क्या यह सच नहीं है कि मिस्टर मेहता की आप पर बुरी नजर थी? रंजीत, स्काई ऑडियो कंपनी की पार्टी की रात मिस्टर मेहता ने आपका बलात्कार करने की कोशिश की थी। He tried to molest you. तुझे तो मालूम है ना रंजीत? बताइए मिस सरगम, उस रात क्या हुआ था? जी जी हाँ, ये बात सच है कि मिस्टर अश्विन मेहता अच्छे आदमी नहीं थे। उस रात उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। बहुत ही गंदी और घटिया नियत के आदमी थे वो। कायर साला। मिस्टर बुल्लर, योर विटनेस। योर ऑनर, वैसे तो इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं कि मिस्टर मेहता कैसे आदमी थे, क्योंकि वो मेरे अच्छे दोस्त थे और उनकी इज्जत को भरी अदालत में उछाला जा रहा है, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगा। ये बताइए मिस्टर गौ, तरंग आपके गुरु थे तो फिर ऐसा क्योंकि आपने तरक्की की और वो पीछे रह गए? शायद किस्मत। कम कपड़े पहनकर अपने हुस्न का जादू दिखाकर अमीरों से काम निकलवाने को आप किस्मत कहती है मिस सरगम? खूब किस्मत है ये। आपने अपनी खूबसूरती को कैसे कैश किया, मेहता साहब ने मुझे बताया था। आप उनके नजदीक आने के बहाने ढूंढती थी, उन्हें हमेशा घर बुलाती थी, उनके लिए पिछले को हमेशा तैयार रहती थी। और किस रात की बात कर रही हो तुम? हर रात तो तुम उनके साथ गुजारना चाहती थी। तरंग को इस बात की तकलीफ नहीं थी कि उसकी महबूबा का रिश्ता किसी और के साथ था, बल्कि तकलीफ इस बात की थी कि इस रिश्ते से तरंग का कोई फायदा नहीं हो रहा था योर ऑनर, कोई फायदा नहीं हो रहा था। दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल। हे, जाता कहां साले कुत्ते? गले में पट्टा क्या बांध लिया, कुत्ते की तरह भौंके ही जा रहा है, भौंके ही जा रहा है कुत्ते। तेरी तो Oh!
कैसे हो? सर मैं थोड़ा सा दर्द है बस। तुम्हें कुछ याद है अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया? मैंने फिर कुछ गड़बड़ कर दी ना राज? तुमने जो भी किया अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अदालत ने तुम्हें बरी कर दिया, अब तुम आजाद हो। बस तुम्हारे ठीक होने तक तुम्हें अस्पताल में रहना होगा। थैंक यू राज, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। राज तुम मेरे लिए भगवान। क्या कर रहे हो तुम? सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो और जीत हमेशा सच की होती है। बस तरंग बस, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं अस्पताल में मिलना आया करूंगा। बस तुम अपना ख्याल रखना, ओके? मैं चलूं? राज, यप, भुल्लर साहब की गर्दन, वो भी ठीक है ना? मेरी तरफ से उन्हें सॉरी कह दोगे? कह दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो जब भी दौरा पड़ता है तो कुछ याद नहीं रहता ना? फिर तुम्हें यह कैसे याद है कि तुमने भुल्लर साहब की गर्दन दबाई? तरंग मैं कुछ पूछ रहा तुमसे। Too many questions, Raj. Go home, enjoy your success. Chill out. ऐसे क्या देख रहा है बेकाले कोट? कौन हूं मैं, तरंग या रंजीत? तुझे किससे मिलना है? तरंग से, रंजीत से, या दोनों से? राज साहब, आपको तो खुश होना चाहिए कि मुझे आजाद करवा के आपने अपनी शोहरत के डंके बजवा लिए। अब घर जाके सो जा, ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश मत कर, वरना रंजीत और तरंग के भंवर में ऐसा फंसेगा कि डूब के मर जाएगा। क्यों, 440 वोल्ट का झटका लगा? पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। इस बीमारी का सहारा नहीं लेता तो क्या करता? बड़े बूढ़े कहते हैं ना, कोई भी ज्ञान कभी जाया नहीं जाता। साली बरसों पहले गांव की लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी थी, स्प्लिट पर्सनालिटी पे। कहां जाके काम आई। सोच रहा होगा कि ये सारी बातें मैंने तुझे क्यों बताई। सरगम बहुत तारीफ करती है तेरी, बता रही थी कि मेरा केस लड़ने के लिए फीस तक नहीं ली तूने। क्यों? सरगम को मैं अपनी बीवी मानता हूं, उसकी तरफ कोई नजर उठा के भी देखता है तो पागल हो जाता हूं मैं। 56 बार चाकू चल जाता है और पता तक नहीं चलता मुझे। तू शरीफ आदमी है इसलिए। ए, समझ गया ना? दूर रहना उससे। अच्छा राजबाबू,
ठीक से बोल नहीं पाते। ऐसा लगा आपको सर? बीमारी समझ लीजिए, अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। कत्ल करने के लिए कोई भी वजह जायज हो सकती है क्या राज? ऐसे क्या देख रहा है बेकाले कोट? कौन हूं मैं, तरंग या रंजीत? सरगम को मैं अपनी बीवी मानता हूं, उसकी तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखता है तो पागल हो जाता हूं मैं। राज, आज तुमने प्रूफ कर दिया, यू आर द बेस्ट लॉयर इन द सिटी। यस यस, सारे अखबारों में तुम्हारे फोटो छपेंगे, इतनी चर्चा होगी कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। वेल डन बॉय, वेल डन। Something is wrong somewhere. पता नहीं क्यों चला गया? हाँ। Well, let's begin. हाँ? राज, बेटे क्या हुआ तुम्हें? खुश होने के बजाय तुम, आज तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हुई है ना? जीता नहीं हूं मां, हार गया हूं। जिंदगी में पहली बार हार गया हूं मैं। ये तुम कैसी बात कर रहे हो राज? आज तो तुमने एक निर्दोष की जिंदगी बचाई है। वो निर्दोष नहीं है मां, उसने सोच समझकर पूरे होशो आवास में ठंडे दिमाग से वो खून किया है और मैं उसे पहचान नहीं सका। पहली बार जिंदगी में किसी की आंखों में सच्चाई नहीं पढ़ सका मैं। मैं राज गोयल धोखा खा गया, बहुत बड़ा धोखा। मैं उसका केस लड़ नहीं रहा था, वो अपना केस मुझसे लड़वा रहा था। स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार नहीं है मां। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम राज? किसने कहा ये सब कुछ तुमसे? खुद उसने। राज, जरूर कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें। गलत फहमी थी आज तक। जिस तरंग को हम जानते हैं वो एक झूठ है, फरेब है, एक धोखा है। वो सिर्फ रंजीत है, सिर्फ रंजीत। राज, मैं समझ सकती हूं बेटे तुम कैसा महसूस कर रहे होगे, लेकिन अब तुम कर भी क्या सकते हो? नहीं मां, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं। नो मिस्टर राज, इट्स इम्पॉसिबल टू रीओपन द केस। कोई भी वकील अपना जीता हुआ केस खुद नहीं खुलवा सकता। कानून के इतिहास में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मैडम, अगर हमने उस मुजरिम को सजा नहीं दिलवाई तो कानून की हार होगी। धोखा करेंगे हम कानून के साथ। सॉरी राज, अब ये बात मेरे हाथ में नहीं रही। और मान लो हमने केस खुलवा भी लिया तो राज, तुम जानते हो तुम्हारा क्या होगा? मैडम, मैं यूं ही अपना पूरा करियर दांव पर नहीं लगा रहा हूं। वो एक गुनेगार है।
एक खतरनाक मुजरिम है वो, और अगर उसके लिए कोई जगह है तो वो है जेल, सिर्फ जेल। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन इसमें काफी समय लग जाएगा, और इस बीच वो पागल खाने से निकल आया तो उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़िए। मैं यहां ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहता, यहां मुझे अपनी मां की बहुत याद आती है, कहीं मैं भी अपनी मां की तरह नहीं। नहीं तरंग, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे, तुम्हारे अंदर जीने की चाह है। हां तरंग, अगर तुम अपने इलाज में इसी तरह हमारी मदद करते रहे तो बहुत जल्दी यहां से आजाद हो जाओगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? देखो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस ये समझ लो कि गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे यहां से बाहर निकलने में। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे राजबाबू आप, नमस्ते। डॉक्टर साहब मैंने बताया था ना आपको इनके बारे में, मेरे तो दो ही भगवान है, एक आप और एक ये। मिस्टर राज जी, आपने इस भोले भाले मासूम इंसान को बचाकर बहुत नेक काम किया है। जी डॉक्टर, मैं तरंग से कुछ देर के लिए मिलना चाहता हूँ, जरा ओके? श्योर, गो अहेड। थैंक यू। मुबारक हो, बहुत जल्द यहां से आजाद होने वाले हो। जिंदगी दोबारा शुरू तो करनी पड़ेगी राज, और फिर परिवार भी तो बसाना है, सरगम से ब्याह करना है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। अच्छे सपने हैं रंजीत। यह तेरी अदालत नहीं है राज, जहां तेरे उकसाने पर मैं रंजीत बन जाऊं। वहां रंजीत बनना मेरे फायदे में था, मगर यहां बनोगे? पूछोगे नहीं कैसे? गौर से देखो, देख रहे हो ना, ऐसे। छोड़ मुझे, छोड़ मेरा हाथ कमीने। What's happening? ये क्या है? तरंग, तरंग क्या हो गया तुम? छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो तुम इनको? तरंग, अरे छोड़ो ना, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दे, छोड़ो, तरंग, छोड़ो, चला, केयरफुल। ये क्या कह रहे थे आप? ये ठीक हो गया है? ये ठीक हुआ है? ये देखिए, ये देखिए, कुछ देर पहले मुझे भगवान कह रहा था ना ये, अभी उसी भगवान को फोड़ कर लाल कर दिया है। डॉक्टर साहब, आपको तो इसे खतरनाक पागलों के सर में जंजीरों में जकड़ कर रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आप भी प्लीज इतना करीब बात खड़े रहिए, क्या पता आप ही की जान ले ले। ले जाओ इसे सेल में, ले जाओ। पैरों में
में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां। कुछ ही देर पहले आजादी के सपने देख रहा था ना तू? अरे हाँ, जब भी तरंग को तकलीफ होती है रंजीत आता है ना। कहाँ है रंजीत? रंजीत, हेलो, वेयर आर यू? अरे कहाँ है रंजीत? रंजीत, वेयर आर यू? अरे हाँ, रंजीत तो तू ही है ना, अब तुझे बचाने कौन आएगा? सपने देखना बंद कर दे, अब तू यहां से तभी निकलेगा जब मैं तुझे जेल की कार कोठरी में ले जाऊंगा और वहां से फांसी के फंदे तक। वैसे गेम बहुत अच्छा खेला तूने, आदमी गलत चुन लिया। हाँ राज। अरे सरगा, मामूली सी चोट है, इट्स ओके, आई एम टेलिंग यू इट्स ओके। इट्स नॉट ओके, प्लीज बैठो। अरे यार, मेरा मानना है कि बुराई का बदला अगर तुम बुराई से ही देना चाहो तो तुम्हारी बुराई माफी के लायक हो। मैं एक बार फिर कहूंगी राज, तरंग को लेकर तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो। नहीं राज, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं तुमसे? मेरी कोई जाती दुश्मनी है उससे? क्यों मैं अपनी सबसे बड़ी जीत को अपनी हार बना रहा हूं? क्यों? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मैं ये कैसे मान लूं राज कि बचपन से जानती हूं मैं तरंग को राज, और पिछले 2 सालों से तो वो यहां, मुझे हमेशा यही महसूस हुआ है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। और प्लीज समझने की कोशिश करो राज, वो मेरे गुरु हैं। लेकिन तुम्हारा वो गुरु तुम्हें बहुत चाहता है। मैं समझा लूंगी उसे। नहीं समझा पाओगी तुम उसे, और जिस दिन तुम उसे समझाने में कामयाब होगी ना सरगम, तुम्हें खुद नहीं पता तुम अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर लोगी। वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, जान से भी मार सकता है तुम्हें। क्या, कैसी बातें कर रहे हो राज? वो मुझे मारेगा? मुझे? मुझे कुछ नहीं हो सकता राज, और तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नहीं खोगे राज, कभी नहीं। सरगम तुम जानती नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ राज कि मेरी हर सांस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, मेरी हर धड़कन में तुम हो राज। तुम्हें तुम्हारी सरगम से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता राज। मरना चाहते हो क्या? क्यों इतने दिनों से भूख हड़ताल पर उतरे हुए हो तुम? बस 2 मिनट आपका वक्त चाहिए, सिर्फ 2 मिनट। बोलो क्या कहना चाहते हो? आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, आजाद कर दिया जाऊंगा, फिर आपकी जजमेंट गलत कैसे हो गई? उस दिन जिस तरह तुमने मिस्टर राज की हालत बनाई उसके बाद हमारा, अगर मैं कहूं कि अपनी वो हालत राज बाबू ने खुद बनाई थी तो? हाँ, आप लोग मुझ पे क्यों विश्वास करेंगे? वो एक इज्जतदार और बड़े आदमी है, और झूठ तो हम जैसे गरीब और छोटे लोग ही बोलते हैं ना। डॉक्टर साहब, मैं अपनी मरी हुई मां की कसम खाता हूं, संगीत जो मेरा जीवन है उसके सुरों की कसम है मुझे, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन इसमें उनका क्या फायदा, वो ऐसा क्यों करेंगे? वो मेरी होने वाली बीवी से प्यार करने लगे। तो क्या राज? नहीं नहीं, वैसे वो इतने अच्छे इंसान है कि मैं अपने 100 प्यार उन पर कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन सरगम के और मेरे माता पिता
बचपन में हम दोनों का रिश्ता तय करना चाहते थे। अपने मरे हुए बुजुर्गों की आखिरी इच्छा को कैसे टुकरा सकते। इतने दावे के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं मिस्टर राज कि हमने तरंग का लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया है और उस टेस्ट से इतना तो पता चल ही जाता है कि कौन इंसान कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच। जी हाँ, उस दिन आप पर हमला उसने नहीं किया था बल्कि आपने खुद दीवार पर सिर मारकर अपने आप को जख्मी किया था। क्यों आपने उसे पागल साबित करवाया? क्यों इतने दिनों तक आपने उसे जंजीरों में कैद करवाया? क्यों? क्योंकि वो एक खूनी है, एक खतरनाक मुजरिम है वो। तो आपने उसे बेगुनाह साबित करके बरी क्यों करवाया? डॉक्टर, यस, तरंग को कॉमन रूम में शिफ्ट करवाओ। ओके डॉक्टर। नो 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 डॉक्टर, प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए प्लीज। इनफ इज इनफ मिस्टर राज, कभी आप उसे खतरनाक पागल कहते हैं और कभी खतरनाक मुजरिम। कमाल है डॉक्टर साहब, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। प्लीज हमें यह समझाने की कोशिश मत कीजिए कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। आप बहुत बड़े वकील होंगे लेकिन अपनी जिम्मेदारी हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। जिस दिन ये पूरी तरह ठीक हो गया उस दिन इसे डिस्चार्ज करने से पहले हम आपसे इजाजत लेने नहीं आएंगे। आओ तरंग। कम कल मेरा बेटा ना ठीक से खाता है ना ठीक से सोता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर तरंग पागलखाने से छूट भी जाए तो ऐसी क्या मुसीबत आ सकती है। मिसेस गोयल, तरंग ये मानता है कि सरगम सिर्फ उसी के लिए बनी है। जिस दिन भी उसका यह वहम टूटा कयामत आ सकती है। लेकिन आप तो कहती थी कि वो इसलिए हकलाकर बातें करता है कि कुछ कहने से पहले उसे सोचने का मौका मिले। फिर ऐसा शातिर और चालाक आदमी ऐसी कोई हरकत करेगा कि दोबारा कानून के शिकंजे में फंसे? वो शातिर तो है लेकिन बहुत जज्बाती भी। सरगम के लिए, सरगम को लेकर वो फैसले अपने दिल से करता है, दिमाग से नहीं। दिमाग तो उस वक्त उसके काबू में ही नहीं रहता, वो उस वक्त कुछ भी कर सकता है। आदमी शातिर हो खतरनाक हो उससे तो निपटा जा सकता है लेकिन अगर वो साथ साथ जज्बाती भी हो तो। अगर वो रिहा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे तरंग, तरंग साहब, मुबारक हो जी, मुबारक हो जी। राकेश भाई, आप सब लोग यहाँ? मुबारक हो। इन लोगों को मैंने ही खबर दी थी तुम्हारे डिस्चार्ज होने की। ये लोग पहले भी 3-4 बार आ चुके हैं लेकिन मैंने नहीं मिलने दिया। आई एम सॉरी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, सेठ जी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप सब लोग। अरे यही कि 3-3 अलग म्यूजिक कंपनी वाले एक साथ कैसे हैं? भाई तरंग जी, बात ये है कि म्यूजिक का धंधा आजकल यूं ही मंदा चल रहा है। हाँ, तो हमने सोचा कि सब मिलकर ही कुछ कमा लेंगे। आइए ऑफिस में चल के आराम से बात कर लेंगे। चलिए। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आइए। अच्छा डॉक्टर साहब, हाय मैगी। हेलो सर। सरगम। ओ हाय तरंग, तुम हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हुए? बस अभी अभी। सरगम कहाँ है? वो घर पर नहीं है, वो म्यूजिक सिटिंग पर गई है। ये सरगम भी ना। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। 3-3 म्यूजिक कंपनीज ने मुझे साइन किया है। रियली? दैट्स ग्रेट। अब सच्चाई तो पता लग ही जाती है याना। आज तक जो सपने मैंने देखे थे उनके पूरा होने का वक्त आ गया है। अब सरगम को किसी और के लिए गाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए गाएगी, अपने तरंग के लिए। और देखना, सरगम और तरंग की जोड़ी दुनिया में एक मिसाल बन जाएगी। वाटर सर। थैंक यू मैगी। मैगी जाओ मिठाई लेके आओ। तरंग, सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन सपनों की दुनिया में खो जाने से पहले
एक बार हकीकत भी जान लेनी चाहिए। वो कहते ना, तुम प्यार को नहीं चुनते, प्यार तुम्हें चुनता है। क्या तुमने कभी सरगम से पूछा कि उसके मन में क्या है? क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? किसी और से प्यार करती है वो? वो नहीं, मैं बस यूं ही कह रही थी। कोई और है उसके मन में? नहीं तरंग, बस मेरे मन में ये बात आई कि तुम्हें उसके मन की बात पूछ लेनी चाहिए, बस। तुम अब बात बदल रही हो, बताओ ना। ऐसी कोई बात है तो मैं अपने आप ही रास्ते से हट जाऊंगा, बताओ ना। नहीं तरंग, तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बस हरामखोर बेवकूफ बनाती है। नहीं, पागल लगता हूं मैं तुझे? नहीं साली कुतिया, बता सच्चाई क्या, वरना ऊपर से नीचे तक चीर के रख दूंगा तुझे। बोल। सुअर की बच्ची से प्यार को ही नहीं, मौत को भी तुम नहीं चुनते, मौत तुम्हें चुनती है। सपने ही तो मेरे साथी हैं और तुम कहती हो सपने नहीं देखने चाहिए। सरगम, मुझे बचा लो इस गांव के बाहर। तुमने क्यों मारा इसे? सारी कहती है कि सरगम से कभी पूछा है कि वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं, ये भी कोई पूछने की? तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? हाँ हाँ तरुण, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन तरुण? कोई बोला कुछ भी कहे तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कैसे? सरगम, मेरे दिल में ऐसा कोई, ये तो हिस्ट्री और साइकेट्रिस्ट से मिलकर, मुझे तो हमेशा से पता था कि मेरी सरगम मुझे बहुत प्यार करती है, बचपन से प्यार करती है। आओ मैगी। कितना खून बहा है या ना, तुमने मुझे खामखा गुस्सा दिला दिया। अब देखो, पुलिस में कंप्लेन करके मुझे फिर से गुस्सा नहीं दिलाना। चलो मिठाई खा के फिर से दोस्ती कर लेते। लो लो, सरगम, याना ने हॉस्पिटल में पुलिस को अपना बयान क्यों नहीं दिया? हाँ सरगम, ये बहुत बड़ा गुनाह है।
पुलिस तरंग को सीधा अंदर कर देती। कितने दिनों के लिए? पूरी पूरी जिंदगी के लिए अंदर कर सकते हैं पुलिस उसे उस जुर्म के लिए? पता है आपको, याना को तो बेचारे को इतना बड़ा शौक लगा हुआ है कि और उसे क्या, मैं खुद नहीं सोच सकती थी कि बस एक पल में वो दो सालों के रिश्तों को बुला सकता है इस तरह। मैं मम्मी I can't believe it. ना बेटी, I just can't. ना बेटी, चुप हो जा। तुम सही थे राज, वो गांव से आया हुआ बोला बोला तरंग नहीं, वो रंजीत है, रंजीत, सिर्फ रंजीत, he's a maniac, he's a maniac, oh my god. कहाँ गई थी? वो राज से, राज से मिलने इस वक्त क्यों? वो तुम्हारा केस रीओपन करवाना चाहता है, वो तो मैं उससे समझाने गई थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करे। सरगम, तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी, लेकिन आज के बाद मेरी खातिर भी तुम राज से नहीं मिलोगी। वो हराम खुर चाहता है तुम्हें, उसे तुम्हें, उसे कुछ मत करना तुम। मेरा मतलब है, मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम किसी तकलीफ में आ जाओ। जैसे ही जज साहिबा आती हैं मुझे फौरन फोन करना। ओके राज। जिंदगी में पहली बार सही रास्ता मिला है जिस पर चलकर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। क्यों मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हो तुम? राज, प्लीज राज, मैं आप किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहता। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, माफ कर दो मुझे। तुम तो इतने बड़े आदमी हो, थोड़ा दिल तो बड़ा रखो। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है यार, और फिर मैं कौन हूं तुम्हें माफ करने वाला? तुम कानून के गुनहगार हो। ये कानून वानून की बात बेकार है राज, मैं जानता हूं तुम किस वजह से मेरे पीछे पड़े हो। वो वजह सरगम है ना राज? अच्छी तो बात लगती है मुझे, बहुत ज्यादा। राज, वो अच्छी है तो अच्छी तो लगेगी, सारी दुनिया को अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सारी दुनिया की हो सकती है। वो मेरी है राज, तुम जानते हो, मैं उसे अपनी पत्नी मानता हूं, और किसी और की पत्नी की तरफ देखना गुनाह है, पाप है राज। अगर इतना प्यार करते हो, इतना चाहते हो उसे, तो तुम्हें उसकी फिक्र क्यों नहीं है? तुमने कभी सोचा है तुम्हारे जेल जाने के बाद उसका क्या होगा? इतनी बड़ी दुनिया में सरगम अकेली क्या करी? अगर तुम सचमुच उसे प्यार करते ना, तो तुम खुद उसका हाथ मेरे हाथ में देते और कहते कि प्लीज राज, प्लीज सरगम से शादी कर लो। क्योंकि मेरी मंजिल संगीत या सरगम नहीं, सलाखें हैं, जेल की सलाखें। सारा शहर छान मारो, जहां भी उसके होने की गुंजाइश हो, वो हर इलाका, हर घर, हर मोहल्ले की तलाशी लो। 12 घंटे के अंदर वो शख्स मुझे यहां पर चाहिए। कानून को खेल समझता है ना वो,
कानून की गर्मी उसे दिखानी पड़ेगी। नाउ कम ऑन मूव। मुझे ढूंढने के लिए किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ में जाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई मुजरिम नहीं जो पुलिस से छुपता फिरूं। इनके सिर्फ कहने पर आपने मान लिया कि मैंने इन पर हमला किया है। हमला मैंने नहीं, इन्होंने मुझ पर किया है। ये देखिए, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह हमला तुम पर राज ने किया है? इनके पास क्या सबूत है कि इन पर हमला मैंने किया है? इनके बदन पर खरोच का निशान तक नहीं है, और मेरे घाव देखने के बाद भी आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं। मेरी कंप्लेंट तक नहीं लिखी जा रही। क्यों? क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं। हाँ, तुम किस तरह के आम आदमी हो यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। मुझे कानून मत सिखाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या करना है? अंदर करना है मुझे? कर दीजिए, लेकिन जो प्रेस में लेकर आया हूं उसे क्या जवाब देना पहले यह सोच लीजिए, वरना कल के हर अखबार हर न्यूज चैनल पर खास खबर यही होगी। हम सच्चाई जानना चाहते हैं। देखो, तुम्हारे खिलाफ शिकायत थी इसलिए तुम्हें यहाँ पर रूटीन इंक्वायरी के लिए बुलवाना था, गिरफ्तार करने के लिए नहीं। सिंह, यस सर, इनकी कंप्लेंट लिख लो। यस सर। चलिए, केस की फाइल है ना? जी। तो मेरे टेबल पे भेज दो। जी सर। अपनी जान बचाने के खातिर किसी दूसरे की जान ले ली जाए तो उसे जुर्म नहीं कहते, सेल्फ डिफेंस यू सी। गांव की लाइब्रेरी में कानून की किताब भी पढ़ी है मैंने। अजनबी तेरी पहली नजर मेरा दिल गई, अगर तू दिल दे दे नाम लिख दूं तेरे सनम, तेरी कसम मेरी सांसें मेरी बाहें दीवाने है अजनबी। थैंक यू तरंग साहब। कहीं आप लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? नो सर। इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ टेक करते हो और ऑटोग्राफ मेरा ले रहे हो? कसम से तरंग भाई, जो मजा बजाने में आज आया है इससे पहले कभी नहीं आया। मेरी बात लिख लो, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। बहुत ही अच्छा गाना है ना। हाँ, थैंक्स। एक मिनट, चल भाई, तुझे तेरे ससुराल ले जाने के लिए आए हैं। तेरा केस रीओपन हो गया है, चल। अबे चल। चल रहा हूं, बदतमीजी नहीं। ए, आंखें किसको दिखाता है, हैं? कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। क्या हो सकता है? अबे देखता क्या है, मेरा भी खून कर देगा क्या? ले चलो साले को, चल चल।
उनके साथ खेल खेला है तूने। अब देखना हम तेरे साथ क्या खेल खेलते हैं। पिछली बार तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, इस बार पूरी पिक्चर दिखाएंगे। मेरा डंडा तेरा सर। बहुत बड़ा वकील समझता है ना अपने आप को। कानून क्या होता है इस बार कोर्ट में मैं तुझे बताऊंगा। तुझे किसने कह दिया कि हम तुझे कोर्ट में ले जाएंगे? हाँ, कानून से भागने के जुर्म में तेरा एनकाउंटर भी तो हो सकता है। नहीं, तुझे नहीं लगता सबका टाइम बचेगा? तेरा, मेरा, अदालत का, सबका। चल, अरे चल ना। मैं सरगम, मैं जिंदा हूं इस बुलेट प्रूफ जैकेट की मेहरबानी से। वैसे राज, मुझे आपकी प्लानिंग पर थोड़ा शक जरूर था कि वो पिस्टल निकालकर मुझ पर गोलियां चलाएगा या नहीं। लेकिन मैं जानता था इंस्पेक्टर, उसे बेइज्जत करके गुस्सा दिलाएंगे तो इसी तरह रिएक्ट करेगा। हाँ, लेकिन दुख इस बात का है कि वो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में तो सिर्फ 7 साल के लिए अंदर जाएगा। अगर उसका केस सचमुच रीओपन होता ना तो जिंदगी भर के लिए अंदर चला जाता। अटेम्प्ट टू मर्डर कोई छोटा जुर्म नहीं है मामा जी, और वो भी पुलिस वाले पर गोली चलाना ऑन ड्यूटी इन यूनिफॉर्म, इट्स अ बिग क्राइम। बस एक बार उसे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर, सारी जिंदगी उसे कानून के शिकंजे से निकलने नहीं दूंगा। ये राजगोयल का वादा है। जेल में तेरा गाना सुनने का टाइम, अपन ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तेरे जैसा गाने बजाने वाला आदमी किसी का गेम भी बजा सकता है, और वो भी एक पुलिस वाले का। देख बिड़ू, अब तू यहां आराम से रह नहीं सकता, तेरे को यहां से निकलने का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। देख भाई से तो मैं बात कर लेगा, तेरे बाहर जाने का बंदोबस्त भी हो जाएगा, पर उसके वास्ते रोकड़ा मांगता है, बहुत सारा रोकड़ा। कर पाएगा तो इंतजाम? ये सारी दौलत तूने मेरा संगीत चोरी करके कमाई है ना, तो फिर देने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल बाहर रख। हेलो पुलिस, पुलिस स्टेशन क्या कर रहा है? देखिए मैं अभिजीत मेहता के यहाँ से बोल रहा हूँ, तरंग यहाँ है। जी हाँ, आप फौरन यहाँ चले आइए। हेलो, जी हाँ, तरंग यही है। लो देखिए, वो उसे धमका रहा है, उससे पैसे हट रहा है। सेट करने का है तेरे को, यानी कि कंट्री छोड़कर बाहर निकलने का है। हाँ भाई, पैसा भी बहुत इसके पास। अभी क्या करेगा भाई, इसने उड़ा दिया कि इंस्पेक्टर को, अभी तुम बोलो। इंस्पेक्टर राणा को? हाँ भाई, वही वही जिंदा है वो। hey, इश्क खता। hey, इश्क सजा। वो इसका वकील है ना? हाँ, राज, राज, राज। बहुत कुत्ती चीज है साली, तेरे को मर्डर अटेम्प्ट में फंसने के वास्ते सारा गेम बनाया साला। अबे छोड़ना, हम मुंह लटका के क्या बैठा है, जो होना था वो हो चुका है। लेकिन भाई, दो लोगों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ सरगम ना, कोई चूचा तो नहीं करेगी ना, तेरे साथ जाएगी। अरे बहुत प्यार करती इससे, जेल में इसके वास्ते खाना लेके आती थी वो। तो तू फटाफट तैयारी कर ले। हाँ, सैटरडे को निकलना पड़ेगा, तेरा प्रोग्राम मैं सेट कर दूंगा, सिर्फ 3 दिन है तेरे हाथ में। काफी है, काफी है 3 दिन।
हेलो हाँ बोल तरंग सॉरी रंजीत मुझे मालूम है फोन पर तू ही है बोल ना सरगम को फोन दे नहीं बहुत गुस्सा आ रहा है ना गुस्सा तो आएगा पुलिस जो कुत्ते की तरह ढूंढ रही है तुझे गली गली भागता फिर रहा है तू ऊपर से मैं तुझे सरगम से बात नहीं करने दे रहा हूं गुस्सा तो आएगा हेलो हाँ सुन रहा हूं बोल ले जितना बोलना है लेकिन इतना याद रखना मौत से खेल रहा है तू जब तूने मुझे मुजरिम बना ही दिया है तो तेरा खून करने का जुर्म तो मैं जरूर करूंगा खून करना तो बहुत दूर रंजीत अगर हिम्मत है तो थोड़ी देर बस इसी तरह मुझे और धमकी दे फोन टेप हो रहा है जरा पता तो चले तो किस कोने से छुपकर बात कर रहा है लाओ गाड़ी आगे लाओ आइए मैम जीते रहो बेटे अरे डरिए मत माँ जी मैं तो आपसे सिर्फ कुछ बात करने आया हूं बैठिए प्लीज बैठिए ना माँ जी अगर मैं आपके बेटे को मार दूं हाँ? तो क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे नहीं ना मैं जानता हूं माँ के लिए औलाद का प्यार ही ऐसा होता है लेकिन सरगम के लिए मेरा प्यार भी उतना ही गहरा है और आपका बेटा मेरे प्यार के साथ माँ जी अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती समझाइए अपने बेटे को कि वो मेरे रास्ते से हट जाए वरना सरगम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ जान दे भी सकता हूँ जान ले भी सकता हूँ और ली भी है आपको तो पता ही होगा 56 बार मारा था उसे उस बेचारे को तो यह भी नहीं पता था कि मैं सरगम से प्यार करता हूं लेकिन आपके बेटे को पता है एक 156 बार मारूंगा उसे लाश भी पहचान नहीं पाएंगे आप माँ जी आप कुछ परेशान लग रही हैं क्या बात है सरगम तुम एक मेहरबानी करोगी हम पर तुम इसी वक्त यहां से चली जाओ सिर्फ इस घर से ही नहीं हमारी जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते भूल जाओ मेरे बेटे को दीदी दीदी ये क्या कह रही हैं आप मैं ठीक कह रही हूँ इसका राज से रिश्ता रखना राज की मौत का कारण बन सकता है और मैं अपने बेटे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती तरंग ने मोहब्बत को अपने जीने का मकसद बना लिया है और उसकी इस दीवानगी की आग में हम झुलसना नहीं चाहते एक दिन आप ही ने सरगम से कहा था ना कि शहर में वो कभी अपने आप को अकेला ना समझे आपके होते हुए माँ की कमी कभी ना महसूस करे उस वक्त मुझे पता नहीं था कि जिसे मैं बहू बनाना चाहती हूँ उसका कोई इतना बड़ा आशिक भी है कि जो उसकी डोली मेरे घर आने पर मेरी बेटी की आरती उठवा सकता है प्लीज हमें बख्श दो
सरगम, उस बच्ची का दिल तोड़कर आपने अच्छा नहीं किया दीदी। कोई पागल अगर सरगम से इश्क करता है तो उसमें सरगम का क्या कसूर है? उसने आपको धमकी दी और आपने सरगम को। दीदी, किसी की धमकी से क्या हम अपनी जिंदगी के मायने बदल देंगे, बनाए हुए रिश्ते तोड़ देंगे? मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ, तुम क्या समझती हो, वो मुझे मार सकता है? अरे उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मुझे छू भी सके? तुम अपने बेटे को इतना कमजोर समझती हो माँ? नो माँ, प्लीज तुम इत्मीनान रखो, कुछ नहीं होगा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए डराया ताकि हम डिस्टर्ब हो, कुछ गलत कदम उठाए, ये सब उसकी चाल है माँ। सरगम की सिक्योरिटी कहाँ है? चलो सरगम, जल्दी चलो, जहां हम दोनों चैन से रह सके, यहां से बहुत दूर। दूर? सारी बातें तुम्हें रास्ते में समझाऊंगा, चलो गाड़ी में बैठ। लेकिन मैं अपना सामान तो लेके आती हूँ अपना। यहाँ आए, चलो जल्दी चलो।
अंदर और बाहर पूरी सिक्योरिटी रहेगी। यहाँ पर आप और मैं, यहाँ कमिश्नर साहब, यहाँ सिविल ड्रेस में पुलिस वाले। राज आओ सरगम आओ, तुम्हारे शो की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। मैं ये शो बिल्कुल नहीं करना चाहती, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती राज। तुम जानते हो तरंग को, वो जरूर आएगा वहाँ पर। यही तो हम चाहते हैं कि वो आए। सरगम ये शो नहीं है, उसके लिए बिछाया हुआ जाल है हमारा। तुम मुझे खोना चाहते हो राज। What, you don't trust me? Look at me. कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन राज, He is an animal, सरगम, a real animal. उसे कैद करवाने के लिए तुम्हें इतनी हिम्मत तो दिखानी होगी। मेरा कंगना खन खन बोले, मेरी पायल छन छन बोले, मेरे बाले झुमके डोले, चोरे चोरे हौले हौले। इश्क की खुल गई पोल, हुई है रात रंगीली। जवानी पे है आज रात, होठों पे आई दिल की आज बात। कुछ हो ना जाए मैं डरती हूँ, हाँ हाँ कुछ हो ना जाए मैं डरती हूँ। मैं लाज के मारे मरती हूँ, मैं लाज के मारे मरती हूँ। लाज के बंधन खोल, तू लाज के बंधन खोल, हुई है रात रंगीली। ढोली है चाहत जिसको मेरी जान, उस रोग की ना दवा है ना दुआ। सबका ये चैन छीन लेता है, हाँ हाँ सबका ये चैन छीन लेता है। ये दर्द सभी को देता है, ये दर्द सभी को देता है, हाँ, हाँ, हाँ। ये दर्द तो है अनमोल, हाँ ये दर्द तो है अनमोल, हुई है रात रंगीली। मेरा कंग
ना खन खन बोले मेरे पायल छन छन बोले मेरे बाले झुमके डोले चोरी चोरी हाले हाले ढोली बजा रे ढोल घर जा मैं आता हूँ। सिंह साहब एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना इन्हें। ओके सर। चलो चलो ये तो सरगम का ड्राइवर है। ओह नो लेट्स गो। चलो कम ऑन एवरीबॉडी फॉलो देम मूव कम ऑन। ए गाड़ी इस तरफ कहाँ ले जा रहे हो? हाँ भाई हाँ सरगम मेरे साथ है। जी भाई जी फिक्र मत करो सरगम, बस अब कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर हम सारी जिंदगी साथ साथ रहेंगे एक नई दुनिया में जहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं और हमारा संगीत। हमारे सारे सपने पूरे होंगे सरगम, सारे सपने। सरगम क्या हुआ? पानी। सरगम हेलो हेलो करण, ये जहाज हमारे लिए आ कहाँ से रहा है? तुम क्यों फिक्र करती हो? नहीं मेरा मतलब है हम जा कहाँ रहे हैं? यहां से बहुत दूर जहां तुम्हें मिलने पर मुझ पर गोलियां ना बरसाई जाए। अच्छा तरंग कम से कम ये तो बताओ कि हम लोग हैं कहाँ? मेरे साथ हो मेरे पास। तरंग ये लाइट कहीं पुलिस तो? लाइट हाउस है यहाँ। ओह लाइट हाउस। अंधेरे में जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए रोशनी देता है, जैसे तुम मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई। तब तो बहुत बहुत जहाज आते होंगे ना यहाँ पर? जंजीरा फोर्ट है ना यहाँ। जंजीरा फोर्ट? जंजीरा फोर्ट तो हमारा जहाज। कहाँ जा रही हो सरगम? सरगम
सरगम क्या हुआ तुम्हें सरगम? सरगम सरगम तो भाग क्यों रही हो मुझसे? सरगम सरगम क्या मजाक है ये? कुछ ही देर में हम निकलने वाले और तुम? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूं तरंग। नो 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 क्या बोल रही हो तुम? क्यों नहीं आओगी? क्यों नहीं आओगी मेरे साथ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्या? No! Shit! Shit! सरगम तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ये सच नहीं हो सकता। सच यही है तरंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। झूठ! उस दिन तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम। मैं डर गई थी, क्या ना क्या हालत देखकर डर गई थी मैं। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मैंने तुम्हें हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त समझा है तरंग, मेरी दोस्ती को तुमने प्यार समझ लिया। और फिर अपने दिल की बात शायद तुम मुझसे पहले कह देते तो अब बहुत देर हो चुकी है तरंग, मेरी जिंदगी में राज आ चुका है। तो उससे प्यार करती हूँ तरंग। सरगम मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे प्यार में, और तुम मुझे अब बता रही हो कि क्यों सरगम क्यों? ठीक है सरगम, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, लेकिन यह भी सच है कि जीते जी मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। तुम्हारी मुश्किल को आसान करने का एक ही रास्ता है मेरे पास। अपनी जान देकर मैं यह साबित कर दूंगा कि तुम्हें मुझसे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। नहीं तरंग, तरंग, तरंग! 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 ये क्या किया तुमने तरंग? क्यों 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 किया ऐसा? इस तरह अपनी जान दे देना पागलपन है तरंग। पागलपन नहीं, दीवानगी है, दीवानगी। और देखो ना, मेरी इस दीवानगी ने तुम्हें भी कितना दीवाना बना दिया, वरना मेरी मौत पे तुम इस तरह तड़पती क्यों, रोती क्यों? सरगम! क्या कहा था तुमने? तुम्हारी जिंदगी में अब राज आ गया, इसलिए तुम अगर राजी ना रहे तो। सरगम! सरगम! राज, राज चले जाओ यहाँ से, राज, राज प्लीज चले जाओ यहाँ से, राज, राज प्लीज चले जाओ, राज। Thank you.
पाटिल, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला सर, दो घंटे ढूंढा, दूर दूर तक कुछ नहीं है। सर, गोताखोरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन लाश का कुछ पता नहीं चला। मेरे ख्याल से शायद पानी में बहकर काफी आगे निकल गई होगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनसे कहो कि थोड़ी दूर और ढूंढने के लिए। कहाँ खोई हुई हो? खामोशी की आवाज कितनी प्यारी, कितनी मीठी। बस अब हमारी जिंदगी में भी इसी तरह सुकून रहे। ये ताजगी, ये सादगी, ये आशिकी दीवानगी पहले कभी देखी नहीं। देखा तुझे दिल ने कहा तू ही तो है। राज नहीं सर, ये गाना इतना मशहूर है कि कोई भी गा सकता है। शायद दीवानगी ये ताजगी ये सादगी दीवानगी। खुश बहुत थे गांव में, फंस गए शहर के जाल में। किस मोड़ पे ले आई है हमको हमारी ये जिंदगी ये ताजगी ये सादगी दीवानगी।